हल्द्वानी से सड़क हादसे से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी में देर रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि दुर्घटना रामपुर रोड स्थित स्टैंडर्ड स्वीट से भोलानाथ गार्डन को जाने वाली लिंक रोड पर हुई है। दुर्घटना का शिकार दोनों युवक बाइक पर सवार थे। बता दें, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवारों को सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका नाम देवेंद्र परगाई बताया जा रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति का इलाज अभी भी जारी है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिवार को घटना की सूचना दे दी है। नमस्कार, आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतवंशियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गाढ़ी संस्कृति, जो हजारों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, वो कायम रहे, हमारा देश फले फूले, विशेष तौर पर हमारे देश के युवाओं की जो एम्बिशंस है उसकी पूर्ति हो, ये देश मजबूत होकर के उभरे, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी इस विशेष भारत पर्व के दिन मेरी इच्छा है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।